मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले सामान्य गणित के लिए संख्या पद्धति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति होती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। पहला आता है इसमें अंक, मतलब डिजिट्स। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं, तथा इन 10 संकेतों को ही अंक कहा जाता है। 10 संकेतों की यह पद्धति दशमिक पद्धति कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं, जबकि शून्य असार्थक अंक कहलाता है। इसके बाद आता है संख्याएं, मतलब न्यूमेरल्स क्या कहलाता है। संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों के समूह को संख्यांक या न्यूमेरल्स कहते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आदि स्थान लेते हैं। इसके अलावा संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के निम्न प्रकार हैं। पहली है प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, तथा इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या एक से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसलिए एक प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स किसको बोला जाता है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं, तथा इनके समुच्चय को W से प्रदर्शन करते हैं, जैसे W इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक चलता जाएगा, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। फिर आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर वो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, ये इंटीजर्स कहा जाता है, तथा इनको समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 0 से हो जाएगा, 0 से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में 0 से 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 ये माइनस, एक साइड प्लस हो जाएगा, एक साइड माइनस हो जाएगा, तो ये पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाता है। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। अब पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इनके समुच्चय को आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं, तो आई प्लस इक्वल टू जितना पॉजिटिव रहेगा 1, 2, 3, 4, तो ये धन पूर्णांक कहलाएगा। ऋण पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, तथा इनके समुच्चय को आई माइनस से प्रदर्शित किया जाता है, तो आई माइनस इक्वल टू -1, -2, -3, -4 हो जाएगा। नोट, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में विभक्त किया जाता है, अपॉन के फॉर्म में रहता है, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं, जहाँ पी व क्यू दोनों पूर्णांक संख्याएँ हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, जैसे हम 3/5 लिखें, 7/9 लिखें, तो ये पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस यहाँ पी व क्यू पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम √2, √5, √7 आदि लिख सकते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे y/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है, यह इसका सन्निकट मान है। y/7 जो है वो सन्निकट मान कहलाता है, ये इसका यथार्थ मान नहीं है। फिर है
वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, तथा इनके समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे अंडर रूट 5, 7/4, 1/2, पाई, -1, 0 और 5, ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है इसमें सम्मिश्र संख्याएं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्स प्लस आई वाई के रूप में प्रदर्शित प्रत्येक संख्या जहां एक्स वाई आर तथा आई इक्वल टू अंडर रूट -1 को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में एक्स को इसका वास्तविक भाग रियल पार्ट तथा वाई को काल्पनिक भाग मतलब इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एक्स इक्वल टू रिटर्न आर ई जेड तथा वाई इक्वल टू आई एम जेड। एक्स इक्वल टू जीरो यदि जेड एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है तथा वाई इक्वल टू जीरो जेड एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। तो नोट अंडर रूट -3, अंडर रूट -5 नॉट इक्वल टू अंडर रूट 15, 15 के बराबर ये नहीं रहेगा। और अंडर रूट -3, अंडर रूट -5 तो अंडर रूट 3i, अंडर रूट 3π, 3i तो इसको माइनस अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। आई इक्वल टू होता है हमेशा अंडर रूट -1, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आई बेस टू क्यू होता है -i और आई बेस टू 4 होता है 1। यदि n एक पूर्णांक है तब आई बेस टू 4n इक्वल टू 1, आई बेस टू 4n प्लस 1 इक्वल टू आई, आई बेस टू 4n प्लस 2 -1 तथा आई बेस टू 4n प्लस 3 -i होता है।